हाँ दीपक, आधी 2 मिनट के लिए जरा नीचे आओगी? नीचे? हाँ, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। अच्छा ठीक है, आती हूँ। अरे अरे कोई दीपक, अरे कहाँ हो? अरे चलो, ओके ओके मैं चल रही हूँ, ओके मैं चल। मैं तो बहुत मार खाने वाले जो कुछ कम 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 कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो। क्या उफो, गिर गई मैं। लुक, रिलैक्स रिलैक्स, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। Are you crazy? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। What? शादी? शादी और मुझसे? दीपक, मैं तुम्हारे साथ रहती हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूंगी। ओ प्लीज, हाँ हम अ फ्री बॉय। तो ये सब क्या था? पिछले 6 महीने से हम लोग साथ रह रहे थे। दीपक, दैट वॉज ऑल फॉर फन। Yes, I liked you. Yes, I love you. But it doesn't mean I'll marry you. It doesn't mean I'll plan a family with you. No. And let me clear one more thing. ये सब करके ना तुमने मेरा दिमाग और खराब कर दिया है। तुमसे शादी करना तो मैं सोच भी नहीं सकती। Multiple. And I think I can't carry all this thing further. So I'm leaving now. Okay? And you don't come at my place anymore. Understand? Malti, Malti, please. Haan, haan. Shut up. Malti, please. Shut up. Malti, please listen to me. Bye. Malti, Malti, listen to me, please.
हेलो सनी यार, मैं तुझे एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। वहाँ पे मेरा कुछ सामान और वो कपड़े पड़े हैं, वो लेते आना। क्या हुआ, कुछ बताएगा? कुछ नहीं यार, तू कल विवेक की पार्टी में नहीं आया? विवेक की? हाँ यार, कल कुछ काम था। काम? हाँ। तू यहां पर बैठ, मैं जा। ठीक है, बैठना है, बैठ। You know, Ashu, I am in love. In love? Yeah. Nice. Then? और पिछले 6 महीने से मैं उसके साथ लिविंग रिलेशन में हूँ। Yesterday I proposed and she refused. But why? I don't know. उसके लिए ये रिलेशन एक फन था और कुछ नहीं। यार एक बात बोलूँ, तू लड़की को पहचानने में गलती कर बैठा है। Maybe you are right. मैंने लड़की पहचानने में गलती कर दी। तो इस रिलेशनशिप में सीरियस होता क्या? और वो तुम्हारे साथ टाइम पास करती गई। सर आप कुछ लेंगे? जी नहीं। सर आपको कुछ नहीं चाहिए? It's okay, relax. That's the fact. यार serious about her and she ditch me. Look यार, 50% of the woman ditch. Reason चाहे कुछ भी हो। तुझे याद है? फेब में हमारी कंपनी का सेमिनार था। हम एक रेस्टोरेंट में गए थे। लंच करने के लिए। You remember? कुछ कुछ। एक लड़की सामने वाले टेबल पर बैठी थी। याद कर। दोस्तों अगर हम 1 लाख का टारगेट कंप्लीट करते हैं तो कमीशन 2%, लेकिन नई पॉलिसी के हिसाब से 5 लाख पर 12%। 5 लाख के लिए बड़े क्लाइंट कहां से लाएंगे? और हम इन क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करेंगे? फोन से फॉलो करो, अपॉइंटमेंट फिक्स करो, मीटिंग करो, कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगा। नाइस आइडिया, यू शुड फॉलो इट। राइट। एक्सक्यूज मी गाइस, आई एम जस्ट कमिंग। एक्सक्यूज मैम, ये आपकी कीज टेबल पर रह गई थी। ओह थैंक यू वेरी मच, मैं बस वही ढूंढ रही थी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आई एम वर्किंग विद अ फाइनेंशियल कंपनी, आई हैव अ वेरी गुड फाइनेंशियल प्लान। ये मेरा कार्ड है, प्लीज कॉन्टेक्ट मी। श्योर, थैंक यू। या थैंक्स, माय प्लेजर। हेलो। हाय, इज दिस दीपक चौहान? यस। हाय दीपक, मैं मालती बोल रही हूँ। आपको याद है कॉफी शॉप में आपने मुझे मेरी कार की वापस की थी? हाउ आर यू? यस ऑल वेल, ऑल वेल। यू से
अच्छा दीपक, मैं ये बोल रही थी कि लास्ट टाइम आपने बताया था कि आप कुछ फाइनेंशियल प्लान्स मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आज मैं घर पे ही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप मेरे घर आ जाइए, हम घर पे बैठ के बात कर लेते हैं। अभी? हाँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है मैम, ओके। ठीक है, ओके, ऑल सेट। तो फिर मैं आपको अपना एड्रेस मैसेज कर देती हूँ, हम मिलते हैं फिर। ओके मैम, ओके। दीपक? Yes, ma'am. Would you like to have something? Cold drinks and something else? No, I don't drink. Okay. So you don't drink? Yes, ma'am. यहाँ पे आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? No, ma'am. कितना टाइम लगा आने में? 15-20 मिनट लगा है. दीपक? Yes, ma'am. Cold drinks for you. Thank you, ma'am. मैम, ये वो प्लान था जिनके बारे में मैंने आपको बताया था. Yes. क्या है? ये चार प्लान है, 5 साल का, 5-7 साल का, 10 साल का और 15 साल का. कौन सा? या 5 साल में आपका 2% है, 7 साल में 10% है. एक मिनट, सीधा कीजिए. यस मैम. ये चार प्लान में 4 स्लैब हैं आपके. तो इसमें से आपके ऊपर चॉइस है कि आपको कौन सा स्लैब लेना है. जैसे 5% में. यस मैम. मैं कह रही थी कि तुम यहाँ क्यों नहीं बैठते हो, मुझे वो देखने थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था. अब बैठो, बी कंफर्टेबल ना. या ओके मैम, थैंक यू मैम. बी कंफर्टेबल. या मैम, ये चार प्लान, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल. तो इसमें 5 साल में है 2%, 7 साल में है 10%, और ये 15 साल में आपके हो गए 15%, 20 साल में 20%. तो ये आपके ऊपर है मैम, फिर ये स्लैब कौन सा लेना है. दीपक. यस मैम. कोल्ड ड्रिंक ये लो. Thank you, ma'am. Cheers. Cheers, ma'am. अरे दीपक, hold. Cold drink है वो. Yeah, ma'am. हाँ, क्या बता रहे थे? वो मैम, 4 स्लैब थे इसके, 5 साल का. Yes, ma'am. सिर्फ तुम ये काम की बात करते रहोगे या फिर कुछ अपने बारे में भी बताओगे? क्या बताऊं मैम अपने बारे में? क्या बताओगे तुम अपने बारे में? ओके, गुड क्वेश्चन. चलो मैं पूछ लेती हूँ. लेट तो काफी हो गया है. यस मैम. तो खाना यहाँ खा लो, और लेट हो जाएगा तो सो भी जाना, कल सुबह घर चले जाना.
उस रात के बाद मैं उससे बड़ा अटैच हो गया था। हम रोज मिलने लगे और कुछ दिनों में मैं उसके घर शिफ्ट हो गया। आई थिंक फोन गाड़ी में रह गया, तुम बैठो दो मिनट में। दो मिनट बस। यू नो शी केयर्स मी अ लॉट। मुझे लगा कि शी वुड बी अ परफेक्ट वाइफ फॉर मी, दैट्स व्हाई आई प्रपोज्ड। आई रियली लव हर। हे दीपक, यू रिमेम्बर मी? हाय राजेश, हाउ आर यू? बस बढ़िया यार, यहाँ कैसे? आप कुछ नहीं, वो लंच के लिए आए थे। बाय द वे मीट माय फ्रेंड आशु, आशु इज राजेश। हाय हाय आशु। वैसे हम लोग भी लंच के लिए आए थे, मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ। आ तुझे तेरी भाभी से मिलवाता हूँ। नहीं यार, हम बाय द वे कम ऑन यार, जॉइन अस आशु, कम मालती, मीट माय वेरी ओल्ड फ्रेंड दीपक। हम कितने कम टाइम में एक दूसरे के कितना क्लोज आ गए हैं। कल तक हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और आज एक ही घर में साथ साथ रह रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरी लाइफ में इस तरह से अचानक आएगा और वो मेरे लिए इतना स्पेशल हो जाएगा। जब तुम ऑफिस चले जाते हो ना, तो आई रियली फील सो अलोन। तुम्हारा वेट करती हूँ कि कब तुम ऑफिस से आओगे और कब हम फिर से एक साथ होंगे। आई मिस यू अलॉट दीपक। लाइफ में आज तक जो मैं मिस कर रही थी, शायद वो यही था। आई रियली लव यू, यू आर द पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी द मोस्ट स्पेशल रोमांटिक लाइफ। अरे भाई क्या हुआ, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? नहीं वो से हाई टू ईच अदर ना, हाई। हेलो दीपा, प्लीज सिट। या श्योर। मालती, हम 5 साल तक एक ही रूम में रहे, हमने खूब मस्ती की, क्यों? वैसे दीपक तुझे एक बात बताऊं, मैं इस दुनिया का सबसे लकी आदमी हूं कि मुझे इतना प्यार करने वाली वाइफ मिली। पहले हमने प्यार किया, फिर शादी की। हमारी शादी को 10 साल हो गए, बट इन 10 सालों में हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। पर इससे हमारे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ा, वी स्टिल लव ईच अदर। कुछ दिन पहले हमारी जिंदगी में एक मिरेकल हुआ, शी इज प्रेग्नेंट। यार मैं इतना खुश हूं कि तुम्हें बता नहीं सकता, आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों मालती? या यू आर ग्रेट, यू आर वेरी लकी। इट्स ऑल मिरेकल, वी शुड लीव नाउ। क्या हो गया यार? और इतनी जल्दी? यार अभी तो कुछ खाया भी नहीं, तेरी मजाक करने की आदत नहीं गई। तो सही कह रहा है, मेरी मजाक करने की आदत नहीं गई है। यू बोथ एंजॉय ना, वैसे भी पति पत्नी के बीच कोई तीसरा अच्छा नहीं लगता। यू बोथ एंजॉय विद दिस मिरेकल किट, वी विल मीट सम अदर डे, बाय, टेक केयर, कम ऑन लेट्स गो। दीपक, दीपक से क्या हुआ? एनीवेज गाइस, nice to meet you. Okay, bye.